तो हंसने के बारे में आपको, हंसने का क्वांटम विज्ञान आपको समझ में आना चाहिए। हंसने का क्वांटम विज्ञान क्या है? क्वांटम विज्ञान ऑफ लाफ्टर। तो क्वांटम विज्ञान ऐसा कहता है कि सब कुछ स्पंदन है, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मतलब कि सिकुड़ना और फैलना, स्प्रिंग की तरह कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलीज। से पूरा का पूरा जो विश्व है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है, सांस ले रहा है। जैसे समुद्र एक सांस लेता है, उसकी लहरें आती हैं और जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फिर एक्सपेंड कर रहा है। तो वैसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी कर रहा है और छोटे छोटा सेल भी कर रहा है हमारे शरीर का। हमारा पूरा दिन, हमारी भावनाएं, सब कुछ एक ऑसिलेशन है। तो ऑसिलेशन को ध्यान से समझना है कि ऑसिलेशन कैसे, जब संपीड़न होता है, संपीड़न मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसे मजाक मजाक में थोड़ा ना एक्सपेंशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब उसको दबा दिया गया, उसको सिकोड़ दिया गया, उस पर एक रेसिस्टेंस लगा दिया गया। तो जैसे जैसे उसका रेसिस्टेंस रिलीज होता है, वैसे वैसे एक्सपेंशन होता है। So what is human life? Human life is releasing resistance in order to expand. So human life, जैसे कि 50 साल की, 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की, जितने भी साल की है, एक स्टैंडर्ड साइज मान लो 60, तो 60 ईयर का कंप्रेशन है, 60 ईयर का कॉन्ट्रैक्शन है। तो धीरे धीरे बेसिकली एक स्प्रिंग खुल रही है, एक सुखड़ी हुई चीज धीरे धीरे खुल रही है, जैसे जैसे इंसान की जिंदगी गुजर रही है। तो जो लोग सुपीरियरिटी के मार्ग पे नहीं चलते और अपनी चेतना का विकास नहीं करते, अपने अंदर के रेसिस्टेंस को रिलीज नहीं करते, उनकी जो जिंदगी वो पूरी तरीके से, वो उसकी जो सिकुड़न है वो फैल नहीं पाती है। तो एक्सपेंशन पूरा हो नहीं पाता, जीवन सफल नहीं हो पाता है। ये जीवन सफल नहीं हो, जीवन सफल होने की अलग अलग परिभाषा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से पिटाई कर करके सिखाते रहते हैं। ओशो अपने हिसाब से, आचार्य प्रशांत अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से। क्या ऋषि कुमार जी समझे ये बात को? तो जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी धक्के से गाड़ी चलती नहीं, कभी कभी खटखट इंजन कैसे काम करता है, मतलब कि कुछ तो उसको धकेल रहा है और कुछ रोक भी रहा है। क्या? तो जो धकेल रहा है वो तो प्रकृति का फोर्स है, मतलब अंदर पेट्रोल का फोर्स है या पीछे कोई भी फोर्स है, और जो रोक रहा है वो रेसिस्टेंस है। तो सिर्फ धकेले जाना भी जिंदगी नहीं है और रेसिस्टेंस भी जिंदगी नहीं है। धकेले जाना, एक्सपेंशन होना और रेसिस्टेंस आना, और रेसिस्टेंस आते हुए रेसिस्टेंस खुल भी जाना, नहीं समझे? वो जिंदगी है, मतलब वो लीला है, हर जगह वैसे ही हो रहा है। तो समुद्र का पानी है, ऐसा सुनना कि एकदम दहर आई तो तेरे ऊपर ही आ गया, तेरे को पूरा यही सब जगह आ गया, फैल गया। वो एक इज्जत से फैल रहा है और एकदम एक स्पीड है उसकी, ऐसे थोड़ी ना सीधा आ गया, प्रकट हो गया, पूरे मुंबई में भर गया पानी, एक स्पीड से आ रहा, मतलब कुछ चीज उसको रोक भी रही है। और वो जो उसका प्रवाह है उस रोक के को पार करके जा रहा, रुकावट भी है, वो रुकावट के पार भी जाना हो रहा है, नहीं समझे? तो ये लीला है। तो जब कोई हंसता है तो आप उसका मूवमेंट देखिए, वो किस प्रकार से, उसमें ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई फोर्स भी आ रहा है और रुकावट भी हो रही है। क्या समझे? हंसी का आप हर इंसान की हंसी देख लीजिए, मोटी मोटी तौर पर ऐसी है, मतलब उसमें ब्रेक है बार बार, और वो ऐसा कि उसको धकेला भी जा रहा है और ब्रेक भी लगा जा रहा है, उसमें क्या उसको मजा आ रहा है? उसको भी मजा आ रहा है, सुनने वाले को भी मजा आ रहा है। तो इन शॉर्ट ये क्वांटम
फेनोमेना है, हंसी जो है, लाफ्टर जो है, ये क्वांटम फेनोमेना है, क्वांटम एक्सपेंशन फेनोमेना, इट इज एन एक्सपेंशन और बहुत ही खूबसूरत एक्सपेंशन है, इसमें कोई खर्चा नहीं है और ये जायज है और इतना नैसर्गिक है, इतना फंडामेंटल है कि बच्चा भी हंसता है पैदा होते ही, छोटा सा बच्चा है, एक हफ्ता पैदा हुआ है, उसको थोड़ी सी उंगल करो तो हंसेगा कि तो वो एक्सपेंशन उसके अंदर है। तो एक तो हमारी हंसी का जो राज पूछ रहे थे उसमें एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमने अपना जीवन एक एक्सपेंशन के रूप में जिया है, तो जब हमें हंसी आती है तो एकदम ओरिजिनल आती है और क्योंकि हमें किसी से फर्क पड़ता नहीं है, हम हर जगह एक जैसे हंस देते हैं, तो क्योंकि हमको पता सब बेवकूफ है, सबसे सुपीरियर तो हम ही है, सबसे इंटेलिजेंट भी हम ही है। ठीक है, कोई हमें हंसते क्या सोचेगा, ये सोचेगा ये चूतिया है, तो मैं चूतिया नाम से हम उसका प्रीमियम लेक्चर बना बना के बेचूंगा।